हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है 16 सितंबर। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, तो 16 सितंबर को सुबी का बर्थडे है, तो आज सुबी का बर्थडे का ब्लॉग है। तो मैं ये लंच के लिए बना रही हूँ दाल और आलू का भरता, यानी कि चोखा भी बोलते हैं। सुबी को बहुत ही फेवरेट है सिंपल खाने में। सुबी को ये दोनों चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि शाम को स्नैक्स वगैरह होंगे और सुबी की बर्थडे की थोड़ी पार्टी भी होगी। और आज सुबी सुबह से फ़ोन मैसेज कॉल्स अटेंड करने में लगी हुई है सबके। तो मैं सोचा मंदिर में अपने कान्हा जी को मंदिर में भोग के लिए, भगवान जी के लिए कुछ प्रसाद बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ बूंदी के लड्डू, जिसके लिए मैंने चाशनी में लिया है 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी। तो बस हमें ना थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, बहुत तार वाली, बिल्कुल वैसे नहीं, पर अच्छी मतलब चिपचिपी सी चाशनी तैयार करेंगे। बाकी उसके लिए मैंने 3 कलर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने कहा कलरफुल लड्डू बनाते हैं, तो ये तिल लिए हैं, क्योंकि उसमें खरबूजे वाले जो बीज आते हैं ना, वो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने तिल ले लिए वाइट वाले। बेसन और थोड़ा सा हमें चाहिएगा बेकिंग सोडा। तो चलिए ठीक है, मैं इसमें बाउल में घोल लेती हूँ। तो देखिए, इस पानी में उबाल आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दी है इलायची, डाल दी है थोड़ी सी कूट के। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना रहता है कि हाथ, जब हाथ में हम इसको लेके वो करेंगे, टच करेंगे, तो ये मतलब हाथ चिपकता है, भले ही तार ना खींचे पर हाथ में चिपचिपापन हो जाता है। तो इधर मैं बेसन ले लेती हूँ। बेसन की कोई इस तरह से इसमें क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं होती है, मेन मतलब इसका बैटर तैयार करना रहता है। तो मैंने 1 से 1.5 कप बेसन ले लिया है। और सुबी को ना अपने बर्थडे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, वो तो महीनों पहले हम लोग को बोलना शुरू कर देती है, 1 महीने बाद क्या आने वाला है, 10 दिन पहले क्या आने वाला है, मतलब उसको शुरू बहुत ज़्यादा रहता है। शुभम को अपने बर्थडे का इतना वो नहीं रहता है, पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का क्रेज़ होता भी है ना। तो देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली ही होती है, थिक नहीं होती है, पर लेकिन हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में हम इसको फैटेंगे। बहुत ज़्यादा फैटना नहीं है, मतलब इसमें गांठ ना रहे बेसन की, तो इस तरह से मैं फैट रही हूँ। अगर आप इसमें बेकिंग सोडे का यूज़ ना करें, घर में नहीं है, तो कोई नहीं, आप इस तरह से बिना इसके भी बना सकते हैं, बस उसके लिए आपको 1 घंटा इस बैटर को रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सोडा है तो आप ज़रा सा इसमें डाल दीजिए और उसके बाद इसको मतलब फैट लीजिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फैटने की ज़रूरत नहीं है। और बस इस कंसिस्टेंसी में हमें इस तरह का बैटर तैयार चाहिए। तो देखिए, अब मैंने इधर घी रख दिया था गर्म होने के लिए, और चाशनी बन गई है, तो वो मैंने ढक दूंगी इसको, और जब हम इसमें डालेंगे तो थोड़ी सी मैं इसको गर्म कर लूँगी, अगर ठंडी हो जाएगी तो। तो देखिए, बस इस तरह से चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि तार आएगा, हल्का सा तार आएगा, लेकिन चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, जमने वाली चाशनी नहीं चाहिए हमें। और इधर जो मैं घी गर्म हो गया है ना, ये तो इसका एक सीक्रेट बताती हूँ। इसमें जो क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत बूंदियों को, इसमें डाल दीजिए आप गर्म ऑयल बनाने से पहले। तो जो ये गर्म ऑयल डलेगा ना, इससे हमारी जो बूंदियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और आप इसको जो छलनी होती है, अगर आप पूड़ियाँ निकालने वाली छलनी जो होती है, छेद वाली, मतलब कोई भी किसी के पास कद्दूकस भी होता है उस तरह का, तो मैं जो बना रही हूँ छलनी से बना रही हूँ। और मैंने 3 कटोरियों में बैटर कर लिया है, एक में मैं ऑरेंज करूँगी कलर, एक में ग्रीन और एक में येलो। तो बना रहे हैं कलरफुल बूंदियाँ। तो पहले थोड़ा सा मैं डाल के देख रही हूँ कि गर्म है, हमें देखिए घी जो है वो फुल गर्म चाहिए। उसके बाद आप गैस को मीडियम कर दें, ना तो इसमें जो ऑयल होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इसमें मतलब टेम्परेचर उसका मतलब होना चाहिए, हीट होनी चाहिए मतलब अच्छी उसमें, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हो, जैसे हम घेवर वगैरह बनाते हैं उस तरह का गर्म भी नहीं चाहिए हमें। तो देखिए, मैं बना रही हूँ जो गेहूँ छानने वाली छलनी होती है ना, इस से, क्योंकि मेरी जो पूड़ी छानने वाली छलनी है वो दूसरी तरह की है, उसमें छेद नहीं है इस तरह के। तो जो भी आपके पास छेद वाला है, कोई भी कद्दूकस हो या इस तरह का हो, तो आप उससे इजीली बना सकते हो।
और पता है ये बनाना कितना आसान है, और मार्केट से जो हम लाते हैं ना वो पता नहीं घी तेल रिफाइंड कैसा यूज़ करते हैं, और घर में चीज़ें कितनी शुद्ध बनती हैं और कितनी साफ़ सुथरा हम उनको बनाते हैं। तो और भोग के लिए तो वैसे भी मन करता है कि घर में ही बनाएं। तो देखिए मेरी कलरफुल बूंदियाँ बन के हो गई हैं तैयार। तो अगर आप इसको ठंडे में डालेंगे तो ये फूलेंगी नहीं, फैल जाएगा बैटर इसका, जैसे आप डालेंगे ना उसमें अगर ठंडी आऊँगी तो वो फैल जाएगा। तो बस मैंने चाशनी को थोड़ा गर्म कर लिया है और बना बना के मैं इसी में डाल दूंगी सारी बूंदियों को। तो ये ग्रीन वाली भी मैंने बना ली है और अब मैं बना लूंगी ऑरेंज वाली। तो आप फूड कलर का यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब ये फूड कलर ही होता है जिससे हम चावल पूजा के लिए चावल वगैरह रंगते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से डाल रही थी और बैटर मतलब इस तरह का आराम से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है तो वो भी मतलब नीचे फैल जाता है। तो बस इस तरह से मैं बना लूँगी सारे, और कितने अच्छे हमारे टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बने थे ये बूंदिया वाले लड्डू, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। एक बार आप भी ट्राई करना, और ख़ासकर जब हम भगवान के भोग के लिए सोच के बनाते हैं ना तो वो चीज़ तो वैसे भी टेस्टी बनती है। भंडारे के प्रसाद वगैरह भी जो बनता है कितना टेस्टी बनता है, बिना लहसुन प्याज बिना ज़्यादा मिर्च मसाले के भी वो कितना टेस्टी लगता है। तो हम इसको ना आधे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे चाशनी में, ताकि ये अच्छे से बूंदियाँ जो है अच्छे से चाशनी मीठा मतलब इनके अंदर तक सोख लें, मतलब चाशनी को अच्छे से। और ये जो तिल वगैरह हैं इनको भी मैं कर दूंगी इसी में डाल दूंगी ठंडा, मतलब आधे घंटे बाद मैंने इनको अच्छे से मसल के थोड़ा सा, अगर ये टाइट वो लगे ना जैसे बंध नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा इसको मसल लें, मतलब इसको थोड़ा सा फोड़ लें बूंदियों को, और उसके बाद इसके इजीली लड्डू बन जाएंगे। तो बस प्रसाद बन के रख दिया है मैंने, और अब मैं दाल जो मैंने बना के रखी है उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मैंने बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनाया है, तो मैंने बना दी है दाल टमाटर में और राई जो होती है सरसों और लाल मिर्च से तड़का लगा दिया है। तो ये अब मैं शाम का जब टाइम हो गया था 5 बजे के करीब, तो फिर मैं उसके बाद नहाई और मैंने शाम की पूजा की, क्योंकि मुझे 6:30-7 बजे तक वहाँ पे भी जाना था, क्योंकि सुबह का बर्थडे ना पास में ही इकाई भी है तो वहाँ पे रूम ले रखा है, क्योंकि घर में इतनी स्पेस नहीं होता और बच्चे भी मतलब खुल के इंजॉय नहीं कर सकते, वो भी पूरी साल अपना इंतज़ार करती है बर्थडे का। तो फिर हमने वहीं IV में एक रूम ले लिया है और उसको अच्छे से मतलब डेकोरेशन वगैरह करा दी है। अब मैंने भगवान जी को फिर भोग लगा दिया, और लड्डू गोपाल जी को मैंने घर में ही भोग लगा दिया था, वहाँ नहीं लेके गई थी, क्योंकि देखिए झूठे गुटे सब हाथ रहते हैं, सब खाना पीना वैसे रहेगा तो उन्हीं हाथों से फिर भगवान जी को छुएं, तो इसी वजह से मैं नहीं लेके गई थी। उनको भोग लगा के जल वगैरह उनके पास रखा ही रहता है, तो उसके बाद मैं निकलती हूँ। और मैं पहले सूट सोच रही थी पहनने का, लेकिन मैंने सोचा साड़ियाँ भी कब को पहननी है, तो मैंने ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी पहनी है, सिफोन में है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वहाँ पे। अब मैं और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ी सी क्लिप मैं वहाँ की दिखा देती हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, और ये गए हैं केक लेने सूबी का, और सूबी गई अपनी फ्रेंड के यहाँ तैयार होने। तो यही वो रूम है, तो देखिए इस तरह से ना घर भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है और घर में इतना स्पेस भी नहीं होता, बच्चे पूरी साल जब अपना बर्थडे वेट करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है। और सूबी का आपकी बार जैसे 12th भी है, तो उसको ये भी था कि 12th के बाद सारे फ्रेंड्स इधर उधर हो जाते हैं, तो भी उसका मन था कि मैं अच्छे से सेलिब्रेशन करूँ। तो हमने कहा चलिए छोटा सा एक सेलिब्रेट तुम कर लो इस तरह। Thank you.
तो उसके बाद सबने मतलब एक गेम खेला और जिसमें दो दो के पेयर थे, जिसको खेल के बहुत ही मस्ती हुई, बहुत ही हंसी, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। तो उसमें दो पेयर मतलब दो दो के पेयर बना दिए थे, तो उनको बैलून फुलाने थे और बैलून को फोड़ना भी था। तो किसी में तो वो इस तरह से कर रहे थे कि एक बैलून फुला रहा था, एक फोड़ रहा था, उससे मतलब जो ज़्यादा करेगा उसको प्राइज था। तो इस तरह से एक है आरुषि और है और एक प्रियांशी, वो दोनों फर्स्ट आई थी, जीती थी। लेकिन बच्चों ने और ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन वो नहीं, सेकंड नंबर पे सूबी और अविदा थे। बाकी तो और मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा, और क्योंकि बच्चे फिर ना थोड़ा पेरेंट्स के सामने उतना खुल के इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा। और इस गेम की जो विनर थी वो आरुषि और प्रियांशी थी, यानी कि जो ये दो पेयर है ना, यही फर्स्ट प्राइज लिए थे। और इन दोनों ने बहुत अच्छे से गेम खेला और बहुत अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा बैलून इन्होंने फुलाए और फोड़े। तो चलिए, बाकी सबने भी बहुत मेहनत की और इंजॉय किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।